हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज बहुत टाइम के बाद मैं लॉन्ग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं और ये जस्ट लाइक व्लॉग की तरह ही है, क्योंकि आज मैं ना शॉपिंग के लिए जा रही हूं। ईद बहुत जल्द आने वाली है और एडवांस में आप सभी को ईद मुबारक और सबको अल्लाह सारी खुशियाँ दे, आप लोग खूब सारी शॉपिंग करो। तो हम भी आज शॉपिंग के लिए काफ़ी दिन के बाद से अपने हस्बैंड को मना पाए, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिल पा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है शॉपिंग के लिए। तो फाइनली टाइम इन्होंने निकाला मेरे लिए और फिर हम आ गए आज लाजपत नगर। तो आते ही भाई इतना अच्छा व्यू लगा ना, क्या बताऊँ, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा दिल्ली का और अभी तक गर्मी नहीं आई है, ये क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी पिछले साल से, लेकिन इस बार जो है ना गर्मी ज़्यादा नहीं है। तो भाई काफ़ी लंबा सफ़र करके हम आए हैं लाजपत नगर, क्योंकि यहाँ जैसी मार्केट मुझे कहीं भी नहीं लगती। अगर फेस्टिवल के लिए आपको ड्रेसेस चाहिए तो ये जगह मिस मत करना, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिलते हैं। मतलब जितना ट्रेंडिंग ड्रेसेस होती हैं, हम जितने भी सेलिब्रिटी को देखते हैं उस टाइप के यहाँ ड्रेसेस मिलेंगे। थोड़े से प्राइस हाई होते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। तो हम यहाँ पर आए और मेरे हस्बैंड जी देखे पैसा यहाँ गिन रहे, क्योंकि मेरी शॉपिंग भाई ख़त्म नहीं होती है जब तक ईद आ ना जाए। तो मैंने तो यहाँ पे एक ड्रेस पसंद किया जो थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन हस्बैंड ने दिला दिया, तो फाइनली हम यहाँ से लेके निकले। और शॉप का नाम आप देख सकते हैं, अगर जाना हो तो इस शॉप पे ज़रूर जाना। तो उसके बाद से कुछ यहाँ पे ईयरिंग्स वगैरह मिल रहे थे बट मुझे पसंद नहीं आया, और अनदर शॉप में मैं गई, वहाँ पर भी एक ड्रेस मुझे बहुत प्यारी लगी। अभी एंड में सारे ड्रेसेस दिखाऊँगी आप लोगों को। तो वो ड्रेस मैंने एक जगह से और ले लिया, एक एलेनर लिया हमने यहाँ से और बेटे ने आइसक्रीम खाई क्योंकि हमारा रोज़ा था। तो फिर हम वहाँ से निकले और अभी शॉपिंग रुक नहीं रही है क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है और हम आ गए यहाँ पे जाफराबाद। जी हाँ, शाम हो चुकी थी और जाफराबाद हम आए तो सबसे पहले तो डिनर के लिए हम लोग आ गए इस रेस्टोरेंट में, हमेशा यहाँ आते रहते हैं हम। तो यहाँ का खाना जो है ना स्पेशली हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हैंड क्लीन किया हमने, उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप सारी जो है ना नॉन वेज वैरायटी यहाँ पे मिलती हैं आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हमने यहाँ पे मटन कोरमा और मटन भेजा पाया ऑर्डर किया था, और बहुत ही सॉफ्ट तंदूरी रोटी एकदम क्रिस्पी वाली थी, अच्छी वाली थी, पतली पतली। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हमने डिनर के टाइम पर, क्योंकि रोज़े के टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि चलो आज पेट भर के पहले खाना खाते हैं, उसके बाद आगे जो चीज़ ख़रीदनी होगी लेना। तो हमने यहाँ पे खूब पेट भर के खाना खाया और मेरे बेटे ने भी खूब इन्जॉय किया, उसके बाद जो चीज़ बच गई थी हमने पैक करा लिया। उसके बाद यहाँ से निकले हम और यहाँ हस्बैंड ने फिर पैसा पे किया। उसके बाद यहाँ पर गाइस जो है ना कुर्ता पजामा बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मिलते हैं, तो हमें कुछ लोगों के लिए भी लेना था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम आ गए और मेरे हस्बैंड और अंदर चले गए थे, हम और मेरे बेटा बाहर बैठे थे। ये बाहर लाला के मुझे दिखा रहे कि देखो कैसा लग रहा कलर, तो हमने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए हम भी अंदर जाते हैं और उनके साथ में पसंद करते हैं। इधर मेरा बेटा डम्मी के साथ इंजॉय कर रहा था और भीड़ देखे, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़, ऐसा लग रहा है ईद कल ही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और थोड़ा सा कॉस्टली यहाँ पर भी कुर्ता पैजामा मिल रहा, पता नहीं क्यों, पहले थोड़ा सा सही मिलता था। तो देखे हमने यहाँ से तीन कुर्ता अभी ले लिया, एक शॉप से लिया है एक और दूसरी शॉप से लिया है, दो कुर्ते पजामे, एक अपने ससुर के लिए, अपने पापा के लिए और एक मेरे हस्बैंड के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे मीठा खाने भी आ गए हम लोग, क्योंकि डिनर के बाद कुछ मीठा खाने का हमेशा दिल करता है। तो यहाँ पे आए हम और रसमलाई हमने और मेरे हस्बैंड ने खाया, मेरे बेटे ने गुलाब जामुन खाया। आगे निकले तो यहाँ पर कूलर का एक शॉप था जहाँ पर इतना अच्छा ही वाला कूलर मिल रहा था ना, बड़े साइज़ में था बहुत, तो हमें ले करके जाना अपने ससुराल में संभल में। तो वही मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे और वहीं आगे निकले जैसे जाफराबाद से ना, तो एक शॉप और हम लोगों को कुर्ता पजामे की एकदम हाईवे पे मिल गई। तो हस्बैंड आए यहाँ पे पता करने के लिए, क्योंकि मेरे बेटे के साइज़ में नहीं मिल रहा था अच्छा सा, तो लेकिन इस शॉप पे ना फाइनली मिल गया। अभी चलिए आप लोगों को दिखाऊँगी। और उसके बाद वहाँ से हम निकले और गाइस करोल बाग पहुँचे। करोल बाग में हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, देखें इतना कपड़ा वपड़ा ले लिया है तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा मैं वैसे वेयर नहीं करती हूँ इतने टाइम, हमेशा लेके ऐसे रखा रह जाता
जाता है और ईद पूरा ख़त्म हो जाता है क्योंकि खाना वाना बनाना पड़ता है। तो भाई हमने फिर भी ले लिया, हमने कहा कि इस बार तो कोशिश करूँगी पहनने की। और आपके साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और करोल बाग में आते ही मेरे बेटे की पसंद की चीज़ मिल गई। वैसे ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बैटरी से चलता है और इसमें एक साथ इतने सारे गुब्बारे निकलेंगे तो ये अच्छा लगा। 150 या 200 रुपये का था, मेरे हस्बैंड ने ये ले लिया मेरे बच्चे के लिए। और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी गाइस, हमने सोचा क्यों आ गए हैं, पता नहीं ईद के पहले ही इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है। तो जैसे मुझे चाहिए चीज़ें वैसे ही सबको भी चाहिए होगा, तो सब आए होंगे ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीदी, वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं थक रही थी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे बेटे साहब ने मौसमी का जूस पिया हमने, और मेरे हस्बैंड ने भी इंजॉय किया। उसके बाद घर पहुँचे, वीडियो बीच में हमने शूट ही नहीं करी क्योंकि बहुत थकान हो रही थी। तो ये देखिए मेरे बेटे साहब इंजॉय कर रहे हैं और नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि दिखा सकूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। और गाइज़ मेरे दिल का जो है ना ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मिला है, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, आपको दिखाऊंगी अभी। सबसे पहले तो एक कुर्ता दिखा देती हूँ और अपने बेटे से स्टार्ट करती हूँ। और इधर देखें यहाँ पे इतने सारे जो है ना कुर्ते ही कुर्ते हो गए हैं, क्योंकि इस बार हमने कोशिश करा है कि क्योंकि नमाज के टाइम पर कुर्ता पैजामा ही वेयर करते हैं, तो सबसे बेहतर रहेगा कि कुर्ता ही पैजामा इस वक्त मर्दों के लिए लेते हैं। और अपने लिए मैंने दो अभी करोल बाग से भी लिया, तो 4 जोड़ी हो गए हैं। मैंने ज़्यादा खर्च करा दिया अपने हस्बैंड का, लेकिन वो खर्च करने टाइम बिल्कुल भी नहीं उदास होते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं, कहते हैं अगर पसंद आ रहा है तो ले लो, तो अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए भाई ये औरतों की ख्वाहिश ख़त्म होती ही नहीं है, ये हकीकत बात है। कितना भी ले लो, 2 लिया था मुझे लगा ज़्यादा हो गया, लेकिन 2 और ले लिया तो कसम से दिल नहीं भरता है मेरा सामान लेने से, शॉपिंग करने से। तो एक तो ये फिरोज़ी कलर में मेरे बेटे का कुर्ता पजामा है, दूसरा ये ब्लू कलर में जो है ना इतना अच्छा कुर्ता है ना, इस पर नेक पे बहुत ही अच्छा वर्क है, तो ये अपने पापा के लिए लिया है मैंने, क्योंकि ईद के टाइम इस बार मेरे हस्बैंड ने बोला है अपने सास ससुर को भी कपड़े भिजवाने हैं, तो अच्छा लगा ये सुन करके। और हर लोगों को ये चीज़ करना चाहिए। तो ये देखिए ये मेरे हस्बैंड के लिए है, इन्होंने लिया है ग्रे कलर में, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब इस शॉप पे जो है ना 800-900 के करीब में कुर्ता पैजामा मिलता है, फिक्स रेट है उनकी, लेकिन चीज़ अच्छी होती है। हमने पिछली बार भी यहीं से लिया था। तो ये देखिए ये मेरे हस्बैंड जी का हो गया है। और किसने किसने ईद की शॉपिंग कर लिए गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन ईद के लिए एक्साइटेड है ये भी बताना। आप लोगों का रोज़ा खैर से चल रहा हो, बस यही दुआ है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और देखिए ये है मेरे ससुर जी के लिए, इन्होंने जो है ना अपने पापा से मैचिंग करी है मेरे हस्बैंड जी ने, देखिए ये, और अपने भी इसी कलर में लिया है। तो ये बहुत ही अच्छा, ये मैंने सिंगल लिया था जिस शॉप से ना, वो वाला है ये 900 के आसपास है, 900 या 950 रुपये में, मतलब 1000 के अंडर में है। तो ये भी बहुत सुंदर सा था। और ये देखें हमने सोचा कि खोल के रख दे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और ये रहा सारा कुर्ता जो कि हमने आपको दिखा दिया है, अब जो लेना होगा और बाद में दिखाऊंगी, अभी जो फ़िलहाल लेके आई हूँ वो आप लोग को दिखाती हूँ। अब रही मेरे ड्रेस की बारी, तो ये एक ड्रेस मैंने सिंपल में लिया है जो कि लाजपत नगर से ही लिया है और मुझे अच्छा लगा था। ये एक थोड़ा सा हैवी लिया है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन ये वाला जो ड्रेस है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ईद के टाइम पर जो है ना मैं कॉटन का ही ड्रेस ढूँढती हूँ, क्योंकि काम के साथ साथ सोचती हूँ कुछ पहन भी लूँ अच्छा सा। तो बस ऐसे सिंपल में ही हमने ले लिया, सेल लगी हुई थी 999 में, 999 रुपये में, मतलब 1000 में। तो जो है ना हमने ये ड्रेस ले लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक सिंपल में भी रख लो, तुम नहीं पहन पाती हो हैवी तो ये पहन लेना। और एक हैवी भी लिया है जो बहुत ज़्यादा अच्छा है और कॉस्टली है थोड़ा। तो ये देखें इसमें इतना अच्छा, मतलब पैंट भी दे रखा है, कॉटन का दुपट्टा, इतना बड़ा दुपट्टा है कि मस्त एकदम नमाज वगैरह भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं हम इसमें। और मुझे कलर भी इसका स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया, एक थोड़ा सा डार्क कलर में लिया है, एक लाइट कलर में लिया हमने। तो ये देखें ये वाला हो गया हमारा ब्लू कलर में ड्रेस। और अभी एक मेरी मम्मी भी भेजने वाली जो कि पर्पल कलर में है, हमारी ईदी आने वाली है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। अभी फ़िलहाल जो लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखें प्यारा सा दुपट्टा, एकदम सॉफ्ट सा, पैंट भी तो इतना अच्छा है ना कि बहुत ज़्यादा लूज़ भी है और पैंट टाइप से है, एकदम फ्री, मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पहन करके। और मैंने देखा भी है इसको, अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा।
मेरे हस्बैंड की जो है ना पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो पैसे नहीं देखते कितने में मिल रहा है, वो हमेशा सोचते चीज़ अच्छी हो तो हम उसी हिसाब से लेते हैं। और ये वाला ड्रेस गाइस अभी आपको खोल के दिखाती, इतना ज़्यादा सुंदर है ना, एकदम ट्रेंडिंग वाला ड्रेस है, मुझे बहुत प्यारा लगा। ये जो है ना 3000 के अंडर में है, मतलब उसी के आसपास में है, तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका कॉलर देखिए कितना सुंदर सा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा डीप है, इसको मैं थोड़ा सा बंद करवाऊंगी। और ये देखिए इसका स्लीव्स इतना सुंदर है, मतलब गाइज इतना प्यारा लग रहा है ना पहनने के बाद से कि क्या ही बताऊँ मैं, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला ड्रेस। और मैंने अपने हस्बैंड से ले तो लिया ईद के नाम पे, लेकिन मैंने कहा ये पहनूंगी मैं किसी फंक्शन में, ऐसे तो पहनने वाली हूँ नहीं, इतना प्यारा ड्रेस मैं ख़राब नहीं करूँगी पहन के, तो मैंने इसे रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा फंक्शन आए, किसी के कुछ इंगेजमेंट हो या कुछ अच्छा प्रोग्राम हो, तो उस वक्त मैं ये ड्रेस वेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस पर एक हील की जूती हो जाए और बहुत प्यारी, मतलब ईयरिंग एक बड़ा सा हो जाए, ज्वेलरी कुछ भी ना पहनो, बस बहुत सिंपल रहना है और बहुत प्यारा लगेगा ये। तो ये देख सकते हैं, ये ऊपर का फ्रॉक गाउन जो भी आप कहें, और वर्क इतना लाइट है ना गाइस, बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई कॉटन का ड्रेस पहने हो, और देखने में इतना सुंदर हैवी लग रहा है। तो ये तो हो गया एक फ्रॉक, और इसके नीचे जो है पैंट है उस पर भी बहुत प्यारा वर्क है, ये बैक साइड से कॉलर में वर्क बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है, और एड्रेस आप लोगों को क्या बताऊँ, मैंने वीडियो देखे हैं बैक साइड करके, वहाँ पे जो है ना मैंने शॉप का नाम आगे से दिखा रखा है, ठीक है, तो वही शॉप है ये जहाँ से मैंने लिया है। और ये है प्यारा सा दुपट्टा, इसका दुपट्टा इतना सुंदर है कि क्या ही बताऊँ मैं। पहले तो आप पैंट देख ले कितना अच्छा है, मतलब साइज़ इतना अच्छा है कि फ्री एकदम रहना है, और कॉटन में है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कपड़ा है, थोड़ा सा महंगा है लेकिन कोई बात नहीं है, कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इतने में ही मैंने पिछली बार भी लिया है था, लेकिन मुझे ये वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो वाला पसंद है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला ड्रेस, और मैं इसे किसी को भी अभी दिखाऊंगी नहीं, मैं सोच रही कुछ फंक्शन में पहनूंगी, जब भी किसी को भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत क्यूट सा है ये। और देखिए वर्क इसका दुपट्टे पे बहुत प्यारा है, रेशमी वर्क है, एकदम लाइट है गाइस, मैंने पहना था इतना सुंदर लग रहा था क्या ही बताऊं मैं। और ये हमारा ड्रेस हो गया है जो कि हैवी में थोड़ा सा था, और करोल बाग गए तो वहाँ से भी खाली हाथ नहीं लौटे, वहाँ से भी कुछ ना कुछ ख़रीद ही लिया, और वहाँ पर मुझे गर्मी के हिसाब से कपड़ा दिख रहा था, तो मैंने सोचा अभी ससुराल जाऊँगी तो भाई वहाँ पर पहनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैंने जो है ना लूज़ लूज़ ड्रेस दिख रहा था, तो मैंने ना अपने हस्बैंड बोला कि मुझे इसमें से अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने एक की जगह मुझे दो दिला दिया, कह रहे मुझे पता है तुम्हारी निगाह वहीं पे टिकी हुई है, और चलो कोई बात नहीं है ले लो, हम वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं मंडे मार्केट करोल बाग में, आप पहनने के हिसाब से ना घर में ले सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे 500-600 में आपको मिलेंगे। तो ये देखिए एक तो ये हो गया कॉट सेट टाइप से है, इस कलर में, एक ग्रे कलर में, और इसमें का सेम मैंने थोड़ा सा लाइट ऑरेंज कलर में लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कोई चेंज वेंज नहीं किया, मुझे एक टाइप के दोनों ड्रेस अच्छे लग गए थे, तो मैंने ये दोनों एक साथ ले लिया। और इतना फ्री ड्रेस है कि बस कहीं भी आराम से आप बैठ सकते हो, उठ सकते हो, काम कर सकते हो फ्री एकदम हो करके, और लॉन्ग भी है ना, बिल्कुल छोटा है ना, कुछ है दिक्कत, तो ठीक है ये वाला एक ले लिया मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला ड्रेस। तो करोल बाग से भी मैंने काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, और अभी ईद नहीं आई है, अभी पता नहीं कितने खर्च करवा दूंगी अपने हस्बैंड के, जबकि ईद के दिन सच बता रही हूँ मैं नहीं पहन पाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे मौका नहीं मिल पाता है, लेट उठना और काम करना, शीर वगैरह, बिरयानी वगैरह, ये सारी चीज़ें बनानी होती है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कोशिश करूँगी, सभी पहनते मैं भी पहन के रेडी होंगी। और थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें ले ली हैं मैंने जो आपको दिखा रही है, देखिए बिंदी, जिसमें कलरफुल बिंदी है, सारे कलर सारे ड्रेस के टाइप से आपको मिल जाएंगे, तो इसमें मैंने एक बिंदी ले लिया है, और ये थोड़ी सी प्यारी प्यारी ज्वेलरी ले ली है, थोड़ी सी महंगी मुझे लग रही है लेकिन कोई बात नहीं है, ये दो कड़े मुझे जो है ना 200 के अंडर में दिया उन्होंने, मुझे ज़्यादा महंगा लग रहा था, लेकिन कह रही हैं रोज़ गोल्ड है, इस पर पॉलिश नहीं छूटेगी, हमने कहा चलो ट्रस्ट करते हैं एक बार ले लेते हैं। और ये दो पीस हमें 200 के अंडर में मिला है, और एक एडी नग में हमें वो मिला है क्या नाम है रिंग, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी और क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो भी ले लिया है। और ये भी 200 के आसपास में दिया है मुझे, 190 में या 195 में, इस तरीके से,
तो देखें ये दो चीज़ हमें 400 रुपये में आई है, और मतलब थोड़ा सा महंगा लग रहा है ना आपको भी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर महंगा लग रहा है तो, लेकिन चीज़ अच्छी लग रही थी शायद, तो इस वजह से मैंने पैसे का मुंह नहीं देखा, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और उसके बाद से ये मैंने क्या लिया है अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को, थोड़े से क्लैचर ले लिए हैं और हेयर पिन ले लिया है मैंने। मुझे सारे कलर मैच करना था, लेकिन मुझे ना ये पिंक वाला ड्रेस जो है ना इसका कलर मैं भूल गई थी और फ़ोटो भी नहीं लिया था उस, और उसी कलर के हिसाब से सब लाइट ऑरेंज चीज़ें मैंने ले ली, और दिमाग उस वक्त चला नहीं, हमने कहा चलो ऐसे ही यूज़ कर लूँगी, वैसे भी अभी उसे पहनना है नहीं। तो दो क्लैचर ये 50 रुपीज़ में हमें मिला है, और 50 रुपीज़ में ये बटर फ्लाई वाला पिन मिला है जो कि अच्छा लग रहा था, बहुत क्यूट सा, आगे लगा लो तो सुंदर सा दिखेगा। और कौन कौन ससुराल जाता है अपने ईद करने के लिए, या जो जहाँ पे है वहीं पे मनाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं दिल्ली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, इनका काम यहीं पे है, तो जो है ना मैं ईद या छोटी छोटी जो भी फंक्शन त्यौहार प्रोग्राम होते हैं ना मैं जाती रहती हूँ अपने ससुराल में। तो ये देखिए हमने ईयर रिंग्स ये लिया था इस कपड़े का मैच सोच के, लेकिन ये भी लाइट और जी निकल गया, सही से कलर जहन में नहीं था, शाम था तो इस वजह से कलर इतना दिमाग में चला नहीं। मेरे हस्बैंड ही आगे सब चीज़ें लेकर के पैक करके आ रहे थे, तो मैंने बस पसंद किया था, देखा था, लेकिन उन्होंने सब रखा था तो मुझे जहन में नहीं था इतना। तो चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अभी जाऊँगी, अभी ईद आई नहीं है तो थोड़ी बहुत चीज़ें और भी रह गई हैं वो भी लूँगी मैं। वैसे जूती स्लीपर ये सब मेरे पास अभी बहुत सारे हैं जो कि अभी यूज़ भी नहीं किया है, तो मैं वो कोशिश करूँगी कि पहनूँ, अभी नहीं खरीदूँगी। और ये हमारी शॉपिंग छोटी मोटी क्या सारी चीज़ें ले ली है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसकी किसकी शॉपिंग हो गई है। और गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।